हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बना रहे हैं साबुत उड़द और राजमा की दाल। तो उस हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है अभी कुकर में, और ये बन रही है चाय। तो अभी बच्चे ट्यूशन से आए हैं तो उनके लिए बनेंगे मूंग की दाल के पकोड़े। और ये मसाला तैयार, प्याज अदरक लहसुन को अच्छे से धो करके काट के मिक्सी में पीस लिया है। दाल के लिए मसाला बनेगा इसका। और ये आशू ने पकोड़े बना लिए हैं मूंग की दाल के, जो सुबह भिगो दी थी, भिगो कर और पीस कर रख ली थी। और अब बच्चे हैं तो बच्चों के लिए, सबके लिए पकोड़े बन रहे हैं मूंग की दाल के। और ये चटनी बनाई है हरी, और चाय है साथ में। वैसे दही बड़े बनाने थे दाल के, लेकिन फिर पकोड़े बना दिए सारी दाल के साथ। बस सोनी जी पी रहे हैं और उधर आशु, आप देख सकते हैं कि पकोड़े तल रही है आशु, और चाय भी रखी है और गरम गरम सेक के दे रही है। तो बर्थडे है, तो बर्थडे के दिन कुछ तो स्पेशल होना चाहिए। तो आशु 16 साल का हो गया, 16 ईयर्स का, और बर्थडे पे कोई डेकोरेशन नहीं, कोई गिफ्ट्स नहीं। और दिवाली भी इस बार ऐसी की थी, कोई डेकोरेशन नहीं की थी हमने, क्योंकि सोनी जी की हेल्थ की वजह से हमने इस बार दिवाली पर भी कोई डेकोरेशन नहीं की थी। और बर्थडे के दिन भी यही किया, जो बनता है बस, जिस बच्चों को पसंद है वही बनाया, मखनी दाल, चावल, रोटी। कि डेकोरेशन और गिफ्ट से क्या होता है, मेन तो खाना होता है ना। हेल्थ के लिए खाना जरूरी है, तो बस सबसे पहले खाना, उसके बाद गिफ्ट्स और डेकोरेशन। तो हेल्थ सबकी ठीक रहेगी तो गिफ्ट्स भी आएंगे, डेकोरेशन भी होगी। वही करना चाहिए ना, जिससे खुशी मिलती है सबको, जो चीज़ ज़रूरी होती है।
जब मिलता है ना तो खाने में वही बनाई थी बच्चों की फेवरेट मखनी दाल चावल रोटी और सलाद था, और पनीर बच्चे कम पसंद करते हैं तो पनीर नहीं बनाया था, और रोटियां इसलिए बनाई थी कि अभी कई फेस्टिवल्स गए हैं तो उन पे पूरियां खा अगर मन भर गया था तो इसलिए रोटियां बनाई थी।